हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ गाइस। आज की रीडिंग में हम देख लेंगे कि 88 पोर्टल जो अभी रिसेंटली गया है, ये आपके लिए क्या मेजर चेंजेस लेके आया है। ये चेंजेस आपके करियर में भी हम देख लेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हम देख लेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस ये, ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करेगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिलेगा। सभी साइंस के लिए है, फिर भी जो भी साइंस यहाँ पर आएगी वो सारे साइंस मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए बिना देर किए हम देख लेते हैं आज की रीडिंग। ये जो पोर्टल्स होते हैं गाइस, ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में वर्क करते हैं। जैसे 88 का भी पोर्टल आया तो आप जानते हैं कि 8 जो है वो शनि का नंबर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपके कुछ कार्मिक सिचुएशन या तो ख़त्म हो गई या कोई कार्मिक सिचुएशन आपका स्टार्ट हो सकता है। तो देख लेंगे हम गाइस, डिटेल में देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस 88 में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये गाइस सबसे पहले तो मैं आपकी पास्ट एनर्जी देख रही हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, 8 ऑफ कप्स, माय गॉड। आई डोंट नो गाइस, मेरा जो रीडिंग करने का एक मकसद ये भी था कि मुझे कुछ दिनों से ना बहुत ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जिसको शायद आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास्ट से रिलेटेड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि आप उन्हें माफ़ कर भी पाएंगे या नहीं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए द डेविल की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसा कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में रिसेंटली, ये कई लोगों के लिए मुझे रिसेंट पास भी लग रहा है और कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आकर चला गया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले साइंस आएगी वो साइंस मैं आपको बता देती हूँ गाइस। यहाँ पे जो साइंस आया है गाइस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई मतलब तुला कुंभ और मिथुन राशि यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ साथ पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर मीन वृश्चिक और कर्क राशि भी यहाँ पर आए हैं। एंड यहाँ पर आया है अर्थ साइन भी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मतलब वृषभ कन्या और मकर राशि भी यहाँ पर आई हुई है गाइस। चलिए शुरू कर लेते हैं हम रीडिंग। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टेप किया है गाइस, किसी ने ना आपको हो सकता है कि किसी ने आपका सीक्रेट रिवील किया हो, आपको धोखा दिया हो, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी के पास में चला गया है। यहाँ पर मुझे ये भी एक दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे ना आप गाइस आपके पास्ट में कैसे दिखाई दे रहा है ना, खुद से बहुत ज़्यादा मायूस मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में सॉरी टू से बट सुसाइड के विचार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन कुछ एक लोगों के कारण, कुछ ऐसे लोगों के कारण आपने ये उस पर अमल नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपसे प्यार करने वाले भी इस दुनिया में कोई लोग है एंड वो आप रियलाइज़ कर चुके थे, इसलिए आपने ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया। लेकिन आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ चेंजेस भी मुझे इस एक सिचुएशन के बाद में आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, कि आपको जो भी आपके लव्ड वन थे ना गाइस, आपके पास में देखिए पेट भी यहाँ पर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा सा कोई डॉगी या कोई कैट, कुछ अच्छा सा पेट भी यहाँ पर हो सकता है। आपको ये रियलाइज़ हुआ है गाइज़ इस सिचुएशन के बाद में ना, ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है इस सिचुएशन के बाद में आपको रियलाइज़ हुआ है गाइज़ कि आपसे प्यार करने वाले यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए आपको एक्चुअल में जीना है, जिनके लिए आपने एक बहुत बड़ा जो ये सुसाइड ना करने का डिसीज़न लिया है और उनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रही है, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ व्हील्स भी आया, मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया है, लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट कर चुकी है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपको घोस्ट कर चुकी है चीज़ें गाइस। आपके दिल में ना एक ऐसी चीज़ें बना ली है जिसकी वजह से ना आप कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में एक निगेटिव चीज़ें आ गई है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपके कैरेक्टर में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, डेबल की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और एक और ये हो सकता है कि आपने अपना कैरेक्टर ना बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे में तो नहीं कह सकती, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कह दिया है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। पहले आप हो सकता है कि आप सोचते थे कि नहीं, अगर मैं ना कहूँगा या ना कहूँगी तो क्या लगेगा सामने वाले इंसान को, लेकिन अब आप इस एनर्जी में है कि भाई अगर मुझे कोई बेनिफिट्स मिलेगा या फिर
इसमें मेरा कोई फ़ायदा है या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो ही मैं हाँ बोलूँगा। आपको अब उन लोगों से कोई मतलब नहीं है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। आप अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी में, अपने ही डायरेक्शन में आप चल रहे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, आप ये सब चीज़ें करते हुए लोगों के नज़रों में विलन बन रहे हैं, लोग आपको एक विलन के रूप में देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक हम बातें मानते हैं तब तक हम तो लोगों के फेवरेट रहते हैं, लेकिन जब हम कुछ अपना करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या बन जाते हैं, विलन बन जाते हैं। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी रिसेंट पास्ट पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बहुत जो बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो ये कि आप एक डेविल की एनर्जी में अब आ गए। आपको लोगों के बोलने से, उनके टॉन्ट मारने से या उनके कुछ कहने से आपको अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी अभी क्या चल रही है आपके साथ। ये जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन से आप किस तरीके से अब इस बार डील कर रहे हैं। तो दो कार्ड्स यहाँ पर गिर गए हैं गाइस, द स्टार, क्योंकि पहले मुझे द स्टार, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर है गाइस। वाओ, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपकी लाइफ में इस वक्त है गाइस, बहुत ज़्यादा बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर है, कुछ नई चीज़ें मुझे यहाँ पर आप शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसे भी लगता है, माई गॉड, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रहा है कि गाइज अब आपके पास में ना लोग आते हैं आपसे हेल्प लेने के लिए, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों की हेल्प लेने के लिए अब आपके पास में लोग यहाँ पर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हम देख लेंगे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया है। होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। लाइट की काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है गाइस, आज ज़रा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पर। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो मुझे सारे विंडोज़ बंद करने पड़े और ट्यूबलाइट शुरू करने पड़े, और डायरेक्ट सनलाइट से ना सारा आपको ब्लैक दिखेगा, कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे ट्यूबलाइट आज ऑन करनी पड़ी। तो चलिए, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। यहाँ पे आई है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि यहाँ पर आई है। एंड इसी के साथ साथ एक्वेरियस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है गाइस। एंड इसी के साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर अब आ गई है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। टॉरस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो अभी मुझे जो ये दिखाई दे रहा है गाइज़, आपकी लाइफ में ना, अभी आपकी लाइफ में आपने बैलेंस बना कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखा है। और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप अपने काम से काम ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने काम से काम रखेंगे। एंड आप थोड़ा मुझे एक है ना, एक एग्रेशन मोड में बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन मोड में, मतलब हो सकता है कि पहले के टाइम पे अगर लोगों ने आपको कुछ बोल दिया तो आप रो देते थे या फिर आप आपको गिल्ट फील होता था, आपको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब गाइज ऐसा नहीं है, अब है ना आपने बोलना सीखा है और आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइज बोलने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप डरेंगे नहीं, अभी आप मुझे डरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप थोड़े से कहते हैं ना मुफट टाइप के मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा आप दूर भागते हैं, क्योंकि अब आप किस तरीके से हो गए, क्या कहते हैं उसे, आप चाहते नहीं कि आर्ग्यूमेंट हो, आप चाहते नहीं कि बात आगे बढ़े, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ी तो आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में हैं और फिर अगर आपने मुंह खोला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आप थोड़ा आर्ग्यूमेंट से भी दूर भाग रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज, कुछ एक अच्छी आदत आपने स्टार्ट की है, कोई अच्छी आदत फॉलो करना आपने स्टार्ट की है, एक्सरसाइज हो सकती है या फिर अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देना हो सकता है। एंड देखिए यहाँ पे, देखिए हेरोफेंट का भी कार्ड आया, तो मुझे लगता है आप अपने बॉडी पर थोड़ा फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ का जो एक्सेप्शंस मुझे यहाँ पे, जो एक्सेप्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, कि आप है ना अब जल्दी जल्दी बाजी नहीं करते हैं कि नहीं मुझे, मैं आज ये काम कर रहा हूँ या आज ये काम कर रहे हो तो मुझे इमीडिएट उसका क्या चाहिए, उसका फ्रूट चाहिए। आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि कोई भी काम करते टाइम पे है ना उसको एक पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत होती है, एक टाइम के बाद में ही चीज़ें जो है वो रंग लाती है, आपकी मेहनत रंग लाती है। तो आपने अब क्या, अब आप ना रेस में नहीं दौड़ रहे, अब आप आराम आराम से चल रहे हैं, आप अपना कंफर्ट भी देख रहे हैं, आप अपना करियर भी देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली भी देख रहे हैं, सब चीज़ों को एक साथ लेकर जो है आप अब चल रहे हैं।
अब आपको किसी की रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी फैमिली के ऊपर, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गाइस। चलिए फ्यूचर में देख लेते हैं कि इस मेजर, तो मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं यहाँ पे। जो शनि जो ग्रह होता है ना गाइज, एक तो इसे हम कर्मों का ग्रह भी बोलते हैं, एंड इसी के साथ साथ कर्मों के साथ साथ जब भी शनि हमारी कुंडली में आते हैं, या फिर ये जैसे कि अभी शनि का पोर्टल 88 वाला जो पोर्टल ओपन हुआ है गाइज, तो इसमें एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे आपको सीखने के लिए दिखाई दे रही है कि एक तो बहुत ज़्यादा पेशेंस हो जाते हैं लोगों में, बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाता है जब भी शनि का कोई पोर्टल खुलता है या शनि उनके इसमें आ जाते हैं, और उन्हें ना जो चीज़ें बहुत जल्दी नहीं मिलती गाइज, उन्हें जो चीज़ें हैं उनके मेहनत का फल बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी है, तो धीरे धीरे इसका फल मिलता है। इसके लिए यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है कि अब आपने, आपको पता है कि पेशेंस का फल मीठा होता है, तो आप जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ गाइज, जब भी शनि आते हैं हमारी कुंडली में, तो या फिर शनि हमें ऐसे कहते हैं, एक होता है एक मेजर ग्रह होता है और माइनर ग्रह। मेजर ग्रह के अंदर में जैसे हमने सुने ना कि शनि में कुछ केतु चल रहा है, शनि में बुध चल रहा है, तो चाहे शनि मेजर में हो या माइनर में हो, हमें लोगों के असली रंग दिखा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों से रिलेटेड होते हैं, तो हमें लोगों के कई ज़्यादा असली रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपकी पास्ट में भी हुई है, और पास्ट की वजह से आपने अपना प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल किया हुआ है। अब देख लेते हैं आपका फ्यूचर कि इस 88 पोर्टल में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके फ्यूचर पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर आया है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आए हैं, तुला, कुंभ, मिथुन मतलब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई यहाँ पर आई है, क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ कप्स, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक और कर्क राशि भी यहाँ पर आई है। तो मुझे यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है ना गाइस कि फ्यूचर में जो आपका आने वाला फ्यूचर है, कोई आपसे इतना कनेक्टेड है गाइस, बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्टेड है, आप उसी की कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप उन लोगों में से हो कि जिनके पास में बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, जिनके पास में छोटा सा फ्रेंड सर्कल भी नहीं कह सकते, कोई एक या दो दोस्त आपके बहुत अच्छे हैं, दो फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे हैं, एंड आप उन्हीं के साथ में अब क्लोज़ हो गए हो, आपको कुछ भी अगर शेयर करना, शेयर तो पहली बात आपने करना बिल्कुल बंद कर दिया। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, आप किसी से अब कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करते, आप अपने तक बातों को रखते हैं। कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, किंग ऑफ पॉइंट भी यहाँ पर आया, टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, तो आप एक बात अपनी सबके साथ में आप शेयर नहीं करते, आपका जो कोई बड़ा, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई एक या दो लोग आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, एंड गाइस फ्यूचर में थोड़ा सा आप अपने आप पर ध्यान रखिए गाइस, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको ना मेंटली और फिज़िकली थकावट यहाँ पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम निकल आ सकता है आपका, या फिर हो सकता है कि आप काम और पर्सनल लाइफ में ना बैलेंस करने में थोड़े से सक्षम ना रहे, जिसकी वजह से आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी आपकी लाइफ देख रही हूँ, एक से ज़्यादा चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में नई शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, नया करियर हो सकता है, नई लाइफ आ सकती है, हो सकता है आप अगर फैमिली एक्सपांशन का सोच रहे हैं तो फैमिली एक्सपांशन भी हो जाए और आपको नई जॉब या नया बिजनेस भी लग जाए, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब रेस्ट करने की मुझे यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो गाइज, दो मेजर विशेज मुझे यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बट दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, यहाँ पे मुझे आपके साथ साथ आपके पार्टनर के एफर्ट्स या आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स, किसी ना किसी पर्सन का और भी एफर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी फैमिली भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइज, आपके फैमिली में अगर आपके भाई होंगे तो हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके भाई को कोई आपके बारे में कुछ कह दे, बट वो जो है ना आपको वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपका साथ देंगे, लोगों को बोलेंगे कि नहीं, जो भी आपके, जो मेरी बहन है या मेरा भाई है वो ऐसा नहीं है ना, आपके लिए लड़ लेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज़।
स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है गाइज यहाँ पर एक, अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत है या फिर आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप चर्च जाते हैं या आप जो भी आपकी प्रेयर है ना, आप वो सारी चीज़ें करते हैं, तो गाइज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है गाइज, आपको बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाले टाइम में मिलेगा गाइज, बहुत बड़ा गिफ्ट जो आपने मैनिफेस्ट किया था एंड आपने कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि हमें कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें घर बनाना है, ठीक है, अब हमने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन फिर भी हम रोज़ प्रे करते हैं, हमें पता है हमारा फाइनेंस कितना है, हम घर नहीं बना सकते, बट फिर भी हम रोज़ प्रे कर रहे हैं भगवान से कि हमारा घर बनवा दो, हमारा घर बन जाना चाहिए, ये वो करके। तो मुझे ये एक ऐसे विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दिए थे गाइज, तो ऐसे विश मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैनिफेस्ट करते रहिए गाइज, मैनिफेस्ट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी आपके भगवान से बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है आपकी। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या है। द ऑब्जर्वर गाइज, ये कार्ड क्योंकि रिवर्स में आया है ना, मुझे लग रहा है कि कोई आपको थोड़ा सा गलत यहाँ पर समझ सकता है, आपकी बातों को कोई अदर वे में ले सकता है। नाइट राइड, तो ये दो एक्स्ट्रा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको आए हैं। पहली बात तो गाइज़ कोई आप बहुत सोच समझ कर मुँह खोलिए गाइज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी कि कोई आपको गलत समझे, कोई आपके मैसेज को अदरवाइज ले, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको रातों में सोने के लिए प्रॉब्लम हो कुछ आपको, या तो फिर हो सकता है नाइटमेयर आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हो और बार बार उठ जा रहे हो, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप रात को शायद सो नहीं पाएंगे आने वाले टाइम में। आई डोंट नो क्या स्ट्रेस है आपके पास में, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोटेक्शन आपके पास में ऑलरेडी है, फिर भी आप स्ट्रेस लेंगे और आप थोड़ी अपनी नींद को डिसबैलेंस यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए अब एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ब्यूटी, आपको अपने फिजिक पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सही गाइस। ब्यूटी में सब कुछ आती है, देखिए यहाँ पे स्लीप का भी प्रॉब्लम आया ना, तो ब्यूटी में हर चीज़ें आती है, आपकी स्लीप भी आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके इमोशंस, हर चीज़ आती है, तो आपको हर चीज़ को ना बैलेंस करते हुए यहाँ पे रहना चाहिए। पैम्पर, खुद को पैम्पर कीजिए गाइस, आप मुझे लग रहा है कि आप है ना ये लाइफ की दौड़ भाग में ना बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान देना आपने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, अपने जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी उससे भी आपने किनारा कर लिया है, इसलिए ब्यूटी और पैम्पर दोनों एक साथ आए हैं। खुद पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप खुद की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पर आप ध्यान दीजिए, जाइए थोड़ा सा आप यदि आप लड़की है तो आप जाइए पार्लर में, थोड़ा सा हेयर कट कीजिए, फेशियल कर लीजिए, है ना, या फिर अगर आप लड़के हैं तो जो भी आपको अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज़ ज़रूर कीजिए गाइस, थोड़ा सा अपना मी टाइम निकालिए और खुद पर ध्यान ज़रूर दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।